हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल लर्न यू रेस्पेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स एंड दिस इज अवर थर्ड वीडियो। टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना, यानी इनका तुलना करनी है आपस में। कंपैरिजन का मीनिंग्स हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन की जो हम कंपैरिजन करेंगे इसका मीनिंग आपका होगा कि हमें ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन फ्रैक्शन इक्वल है, कौन छोटे हैं, कौन बड़े हैं, इसको हम कंपैरिजन कहेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन भी आपका दे रखा, फर्स्ट फिल विद ग्रेटर देन साइन, यानी आपने बताने हैं कि ये बड़ा फ्रैक्शन कौन है, छोटा कौन है। इक्वल देन साइन, अगर दोनों इक्वल होते हैं आपने इक्वल देन साइन यूज करना है, और छोटा है कोई फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन से तो आपने ये वाला साइन यूज करना है। दिस इज लेस देन साइन, दिस इज ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल देन साइन। तो आपने कंपैरिजन करनी है कुल मिला के, और हमारे पास ए पार्ट दिया गया है 2/5, आपके बीच में ब्लैंक दिख रहा होगा, इसमें आपने इन साइन में से एक साइन फिलअप करना है। और सेकेंड पार्ट है, दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, और 2/5 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा या इक्वल, दोनों बराबर हैं आपने बताना है स्टूडेंट। इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप इनको ऑब्जर्व करोगे। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता लगता है कौन फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, विच इज ग्रेटर लेसर, आपको नहीं पता लगता है तो आपको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने है स्टूडेंट। तो आपको क्या तरीका है यूज करना है स्टूडेंट, आपने इस फ्रैक्शन में, फर्स्ट फ्रैक्शन में सेकंड वाले के जो डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सॉल्यूशन में स्टूडेंट, सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा स्टूडेंट, 2/5 में आपने ऊपर भी इस 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, एंड इस वाले फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर से, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में सेकंड दूसरे के डिनोमिनेटर से, और दूसरे वाले में पहले वाले के डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में, इस प्रकार स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 × 2 = 8, 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20। इस तरीके से आपके डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएंगे स्टूडेंट। अब आप देखोगे स्टूडेंट न्यूमरेटर को आपने चेक करना है, यहां न्यूमरेटर इसकी अपेक्षा लेस है, छोटा है, यानी 8 < 15, यानी न्यूमरेटर 8 छोटा है 15 से। तो आप समझ सकते हो हमने 2/5 का ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, और 3/4 का हमने ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, यानी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपके बराबर है, सेम है, और ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपके सेम है स्टूडेंट। अब आप देखोगे जिसका डिनोमिनेटर, सॉरी जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है, या हम ये भी कह सकते ये वाला फ्रैक्शन छोटा है इस फ्रैक्शन से, और लेस देन का निशान आप ये लगाओगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो इनमें आप साइन यूज करोगे इस तरीके से, तो जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/5 < 3/4, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया स्टूडेंट कि आपको छोटे से बड़े क्रम में इनको लिखना है। एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, यानी बड़े से छोटा क्रम, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़े क्रम यानी ऑर्डर में लिखने को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको जिससे आइडिया मिल जाए कि ये फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है,
तो आपके इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपने पहले सेम करना है। इसके लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 15, 5, 10। आपने सारे ही डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो 2 से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, में 2 से 3 में डिवाइड नहीं होता है, ये 15 में भी नहीं होता, आप इसको ऐसे ही उतार लोगे, 3, 5 में भी नहीं होता, 2, 5 are 10। अगेन आप 3 से करके देखोगे, ओनली प्राइम नंबर का यूज करोगे स्टूडेंट, 3, 1 are 3, 3, 5 are 15, 5 में डिवाइड नहीं होता है और 5 में भी नहीं होता है। आपने फिर 5 से डिवाइड करके देखना है स्टूडेंट, 5 में नहीं होता, 1 ऐसे उतार लोगे, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, तो आपके लास्ट में 1 1 आ गए हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, यानी 2 3 are 6, 5 are 30, आपका एलसीएम स्टूडेंट आ चुका है। अब हमें एलसीएम मालूम हो चुका है स्टूडेंट, अब क्या करोगे स्टूडेंट, आप इनको इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 30 हो, इस फ्रैक्शन का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 30 हो, इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 30 हो, और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिनका डिनोमिनेटर 30 हो। तो आपको सबके डिनोमिनेटर को, सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 30 में कन्वर्ट करना है। तो आपको 2/3 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 3 में आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 को मैंने, इसके डिनोमिनेटर को मैंने 30 बनाने के लिए मुझे इस 3 में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो मैंने 3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट। अगेन 15 को 30 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो 7 में ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 5 को 13 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 2 में भी 6 का मल्टीप्लाई, और फाइनल है आपका 10 को 30 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई एंड 1 में भी आपका 3 का मल्टीप्लाई। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 × 2 = 20/30, 14/30, 12/30, 3/30। अब स्टूडेंट जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, सॉरी स्टूडेंट जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, सबसे छोटा ये होगा स्टूडेंट, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसके बाद स्टूडेंट 12 उससे बड़ा फ्रैक्शन ये वाला फ्रैक्शन होगा, उससे बड़ा स्टूडेंट ये वाला फ्रैक्शन होगा, उससे बड़ा आपका ये वाला होगा। बट स्टूडेंट ये इन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/30, 7/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 14/30, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/30, और 1/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/30। इस हिसाब से ये इसका इक्विवेलेंट है, ये सबसे छोटा है, यानी 1/10 आपका सबसे छोटा होगा स्टूडेंट, 1/10, इससे बड़ा स्टूडेंट ये वाला फ्रैक्शन है, ये 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसके बाद आपका हो जाएगा इससे बड़ा 2/5, 14/30 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है स्टूडेंट 7/15 का, तो इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका 7/15 और लास्ट आपका 2/3 बचा। इस तरीके से स्टूडेंट आप इसके असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको राइट करना था, तो इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास नया टॉपिक है एक और, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, 2 या मोर फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, और उनकी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हैं, जैसे 3/4 है और दूसरे फ्रैक्शन का कुछ और है,
बट उनकी वैल्यू सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे स्टूडेंट। यानी टू एंड मोर फ्रैक्शन अगर हमारे पास गिवन हो, उनकी वैल्यू सेम हो, तो हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो हमें राइट फोर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें ये 3/4 दे रखा है, इसके फोर फ्रैक्शंस निकालने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हों, यानी समतुल्य बोलते हैं जिसे हम। तो हम इसके चार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का जो तरीका है स्टूडेंट, आपने 3/4 में दोनों न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा इसका, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा मिल जाएगा, 4 से करोगे तीसरा मिलेगा, 5 से करोगे चौथा मिलेगा, 6 से करोगे, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमने इसका एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने इसमें 3 × 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करा, तो हमें इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। इस तरीके से 3/4 का हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/8 मिल चुका है स्टूडेंट। दूसरा अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 3/4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये आपका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा निकालना है स्टूडेंट आपको, 3/4 में आपने 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, और 4 चौथा निकालना आपको, 3/4 में आपने 5 का मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट, 4 × 5 यानी 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो आपको 3/4 के यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए। इस तरीके से स्टूडेंट आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालोगे, तो हम लिख सकते हैं इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/8 है एक, दूसरा स्टूडेंट 9/12 है, तीसरा स्टूडेंट 12/16 है, और फोर्थ है आपका 15/20। इस तरीके से हमने 3/4 के हमने 4 फ्रैक्शंस निकाले जो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें 2/7 के भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 का मल्टीप्लाई करा ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका निकला 2 × 4 = 14। इस तरीके से आपने 4/14 इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला। अगेन निकालते हैं स्टूडेंट हम, 2/7 = 2 × 3, 7 × 3, 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21, ये आपका दूसरा आ गया। तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे स्टूडेंट इसका, 2 × 4 = 7 × 4, 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28, और थर्ड भी आपका निकल चुका है, एंड फोर्थ एंड फाइनल है ये, 2 × 5 = 7 × 5, 5 × 2 = 10 एंड 7 × 5 = 35। इस तरीके से इसमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे इसके आगे हैं, 4/14, 6/21, 8/28, 10/35। इक्विवेलेंट का मीनिंग ये भी है स्टूडेंट, आप यू भी समझो कि 2/7 की जो वैल्यू होंगी वो 4/14 की भी वही वैल्यू होंगी, 6/21 की वही वैल्यू होंगी, 8/28 की भी वही वैल्यू होंगी, 10/35 की भी वही वैल्यू होंगी, यानी ये सारे फ्रैक्शन इक्वल होंगे। 2/7 = 4/14 = 6/21 = 8/28 = 10/35। इस तरीके से स्टूडेंट आपने और भी पार्ट्स अपने घर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है।